साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें अपने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा की हर कीमत पर रक्षा करने का संदेश देता है। 31 अक्टूबर को हर बार की तरह रन फॉर यूनिटी का आयोजन भी किया जा रहा है। इसमें समाज के हर वर्ग के, हर तबके के लोग शामिल होंगे। रन फॉर यूनिटी इस बात का प्रतीक है, यह देश एक है, एक दिशा में चल रहा है और एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। एक लक्ष्य, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। पिछले 5 साल देखा गया है कि न सिर्फ दिल्ली लेकिन हिंदुस्तान के सैकड़ों शहरों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, राजधानियों में, जिला केंद्रों में, छोटे छोटे Tier 2, Tier 3 सिटी में भी बहुत बड़ी मात्रा में पुरुष हो, महिला हो, शहर के लोग हो, गांव के लोग हो, बालक हो, नौजवान हो, वृद्ध लोग हो, दिव्यांगजन हो, सब लोग बहुत बड़ी मात्रा में शामिल हो रहे हैं। वैसे भी आजकल देखे तो लोगों में मैराथन को लेकर के एक शौक और जुनून देखने को मिल रहा है। रन फॉर यूनिटी भी तो एक ऐसा ही अनोखा प्रयोजन है। दौड़ना मन, मस्तिष्क और शरीर सबके लिए फायदेमंद है। यहाँ तो दौड़ना भी है, फिट इंडिया के भाव को चरितार्थ भी करते हैं, साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत ये पर्पज से भी हम जुड़ जाते हैं। और इसलिए सिर्फ शरीर नहीं, मन और संस्कार भारत की एकता के लिए, भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए। और इसलिए आप जिस भी शहर में रहते हो वहां अपने आसपास रन फॉर यूनिटी के बारे में पता कर सकते हैं। इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, runforunity.gov.in। इस पोर्टल में देश भर की उन जगहों की जानकारी दी गई है जहां पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन होना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब 31 अक्टूबर को जरूर दौड़ेंगे, भारत की एकता के लिए, खुद की फिटनेस के लिए भी। मेरे प्यारे देशवासियों, सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधा। एकता का ये मंत्र हमारे जीवन में संस्कार की तरह है और भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में हमें हर स्तर पर, हर डगर पर, हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर एकता के इस मंत्र को मजबूती देते रहना चाहिए।